नमस्कार, मी अनुष्का बरब, तुम्ही पाहतात न्यूज 19 महाराष्ट्र। नाना सुपारातून खूप मोठी बातमी समोर येत आहे। नाना सुपारात मोरेगाव परिसरात गोळीबार करण्यात आलेला आहे। त्यात 2 जण जखमी झाले असून त्यांचे रुग्णालयात उपचार चालू आहेत। पुढील तपास पोलीस करत आहेत। जाणून घेऊया पुढील माहिती। कुछ आइडिया नहीं है। हम लोग खड़े थे आगे और पीछे से सडनली फायर हुआ तो एक गोली लगी, दूसरी गोली लगी, फिर तीसरा जब उसने फायर किया तो मैंने भागा वहाँ से। उसके बाद तो फिर राजू को किसने मारा और मैंने भी उसने पूरा मुंह पे मास्क पहना था, मैंने भी देखा नहीं किसने मारा हम लोग को, कुछ आइडिया ही नहीं किसने मारा। पीछे से एक्चुअली उसने पीछे से मारा था और प्लस मास्क पहना था। और 3 जन आए थे, वहाँ के लोग बोल रहे कि 3 जन बाइक पे बैठ के आए थे। कौन सी गाड़ी थी? आप बता। जुपिटर बाइक थी, जुपिटर TVS की जुपिटर बाइक थी, स्कूटी। अभी ये कुछ आधा घंटा हुआ रहेगा ऑलमोस्ट, ज़्यादा ज़्यादा उससे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ रहेगा। किस किस पे हमला हुआ है? आप पर? मेरे पे और मेरे दोस्त पे हुआ है। जे जख्मी आहेत या ठिकाणी, बाकी जे ज्यांनी फायरिंग केला आणि वार केलेले ते लोक या ठिकाणी निघून गेलेले आहेत। आमच्या सर्व पोलीस स्टाफ या ठिकाणी हजर आहे आणि त्याच्यात 2 टीम पडलेले आहेत आणि त्याप्रमाणे आमचं काम चालू। सर, एकूण घटना कशा कोणत्या कारणामुळे झाले काय? नाही, अद्याप ते काही स्पष्ट झालेलं नाही कोणत्या कारणास्तव जखमी झालेला आहे। 4 राऊंड फायर झालेले आहेत यात आणि डोक्यामध्ये वार झालेले आहेत। जखमी 2 आहेत। काय अजून त्याचं बॅकग्राऊंड शोधायचं काम चालू आहे आमच्याकडे। आठ बजे मैं अपने दुकान में काम कर रही थी, फिर उसके बाद एक लड़का आया, बोला बहन चलो आपके भाई को उधर मारे। मेरे पापा को भी बोले, पर मेरे पापा डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, इसके वजह से वो आसपास नहीं चल पाए। तो फिर मैं भाग के गई, देखी मेरा भाई रोड पे गिरा हुआ है, उसको कोई भी उठा रहा नहीं था। प्लस उसको कितने लोगों में बोली उठाओ उठाओ चलो दवाखाना लेके जाए, कोई इधर उधर में मुंडी पूरा घुमा रही, कोई आ ही रहा नहीं। फिर एक ऑटो वाले को बुलाया, वो भी नहीं रुका। फिर एक आंटी थी, उनके पहचान का ऑटो वाला था, फिर कैसे कैसे उनको रुकाए, रुको रुको। फिर वो ऑटो में इंसान हैवी होने की वजह से उठ रहा नहीं था, लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ऑटो में वो गिर गया। फिर उसके बाद मेरे पापा 2 मिनट बाद मेरे पापा आए, धीरे से मेरे थोड़े देर बाद वो धीरे धीरे आ रहे थे। फिर मेरे पापा है, मेरे पापा, मैं और एक लड़का, और वो हम 3 जन मिलके उसको फिर रिक्शे में बिठा के सरकारी हॉस्पिटल लेके गए, नाला सुपारा के म्यूनसिपालिटी हॉस्पिटल में। फिर उसके बाद वहाँ हम लोग का वहाँ ट्रीटमेंट हुआ, वहाँ भी स्टाफ वगैरह थे, वहाँ के डॉक्टर लोग थे प्रॉपर, उन्होंने किया स्टेपलर वगैरह किया, कम से कम 40 स्टेपलर, मतलब 40 टाके लगाए होंगे। फिर उसके बाद उनके बैक साइड कमर में ना गोली लगी थी, वो गोली बहुत ही अंदर डीपली पहुंच गई थी, तो उसकी वजह से डॉक्टर बोले कि ये हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं, आपको शताब्दी जाना होगा। तो हम लोग बोले सर शताब्दी तो बहुत ही दूर है, उसको जाने में 2-3 घंटा लगेगा। तो फिर दूसरे किसी शायद सीनियर या जूनियर डॉक्टर ने किसी ने बोला कि सिद्धि में, तो फिर बोली रिद्धि सिद्धि, तो बोले हाँ हाँ रिद्धि सिद्धि में लेकर जाइए, वहाँ की फैसिलिटी आपको सब ऑन द स्पॉट उधर ही सिटी स्कैन कराना पड़ेगा, उधर सिटी स्कैन हो जाएगा और ऑन द स्पॉट कहाँ गोली है, कितनी गोली है, इंजर्ड। फिर यहाँ आए तो पता चला कि एक नहीं 3-3 गोली लगी है, एक गोली पूरे हाथ को पार करी है, देखो ये इतना पूरा ब्लड पकड़ने में लगा। अभी क्या हालत है आपके भाई? अभी तो अभी फिलहाल दो रात को 11 बजे तो यहाँ हॉस्पिटल में लेके आए, फिर 3 बजे तक उनका कुछ 3-4 बजे तक ऑपरेशन हुआ, बट अभी तक मॉर्निंग का 8 बज गया पर अभी तक होश नहीं आया उनको।